भारतीय टीम के पूर्व कप्तान एमएस धोनी और उनकी पत्नी साक्षी की शादी के 14 साल हो गए हैं। 2010 में धोनी और साक्षी की शादी हुई थी। दोनों की उम्र में 7 साल का अंतर है। 2019 वर्ल्ड कप में भारत के लिए मैच खेलने वाले धोनी ने 2020 में संन्यास ले लिया था। उसके बाद से धोनी आईपीएल खेलने के अलावा अपना पूरा समय परिवार को देते हैं। एमएस धोनी और साक्षी की कहानी रांची में उनके बचपन से शुरू होती है। दोनों के पिता एक साथ काम करते थे। उनके परिवारों के बीच काफी अच्छे संबंध थे और वे एक ही स्कूल में पढ़ते थे। हालांकि कुछ समय बाद साक्षी का परिवार देहरादून शिफ्ट हो गया। किस्मत का खेल देखिए, एमएस धोनी और साक्षी कई सालों के अंतराल के बाद कोलकाता में फिर से मिले। 2007 में ताज होटल बंगाल में टीम इंडिया रुकी। साक्षी उसी होटल में इंटर्नशिप कर रही थीं। इसी दौरान धोनी से उनकी मुलाकात हुई और यहीं से उनकी प्रेम कहानी की शुरुआत हुई। धोनी ने अपने रिलेशनशिप को काफी प्राइवेट रखा। धोनी और साक्षी दोनों ने 3 साल डेट किया था। शादी के समय तक किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। फिर 4 जुलाई 2010 को आईपीएल खिताब जीतने के बाद महेंद्र सिंह धोनी ने देहरादून में साक्षी रावत से शादी की। महेंद्र सिंह धोनी और साक्षी के घर 2015 में एक बेटी का जन्म हुआ। इसका नाम दोनों ने जीवा रखा है। जब जीवा का जन्म हुआ तो धोनी ऑस्ट्रेलिया में थे। वर्ल्ड कप होने की वजह से धोनी अपनी बेटी के जन्म के समय भारत नहीं आ पाए थे। महेंद्र सिंह धोनी सोशल मीडिया पर काफी कम एक्टिव रहते हैं। वह गिने चुने पोस्ट करते हैं। लेकिन साक्षी के साथ ऐसा नहीं है। उनके इंस्टाग्राम पर 6 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स है। वह काफी एक्टिव रहती है। आईपीएल के दौरान स्टेडियम में भी धोनी को चीयर करती नजर आती है। दोस्तों, ये रही इंडिया के मशहूर कप्तानों में से एक कैप्टन कूल एमएस धोनी की प्रेम कहानी।